अच्छा टीचर हैं, सर हैं सर आप, अब टीचर हैं तो क्लास में जाएगा ना, इधर फोन पे बतिया, सब फोन आ गया था इसलिए बात कर रहे हैं। और नया वाला ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ आई लव यू और नीचे किसका किसका नाम था वो सब मिटा दिया है। साइंस लिख रहे हैं, हाँ 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 साइंस। अच्छा ये सब बुक्स जो है वो कब तक वितरित होगा बच्चों? हाँ हफने लगा गुरु ना, पहले होगा हल्किन 3 बजे तक मॉर्निंग पढ़ाई होलखिन ना, तो होगा हल्किन 6 बजे। अच्छा जो किचन का हाल है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कितना मतलब कि जर्जर है। आज खाना कहाँ नहीं बनाएंगे? आज खाना चोरी हो गया इसीलिए करके खाना नहीं बना। कितना बोरा था यहाँ पे मैडम? यहाँ पर था 22 बोरा। लोग जी कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5वां क्लास में। तेजापुरी क्या कर रहे हैं? सर नहीं है क्लास में है ना, किधर है आपका क्लास? चलिए तो नीचे। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बरदाहा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और आपको हम बता दें कि कल रात में यहां पे चोरी हुआ है। विद्यालय तो वैसे बनाया जाता पढ़ाने के लिए लेकिन यहां पे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम ऐसे 2-4-5 विद्यालय हैं जहां पे इसके पहले भी चोरी हुआ है लेकिन कल यहां पे जो चोरी हुआ बहुत ही अजीब तरीके से चोरी हुआ है। विद्यालय के ऊपर एक गोदाम है और गोदाम में 15-20 बोरा चावल था और उस चावल को चोर यहाँ से लेकर के जा रहे थे और जब ग्रामीणों ने देखा तो चोर ने 5 बोरा जो मतलब कि चावल का बोरा था उसको उस पिंज के तरफ रख दिया है और 5 बोरा इसी विद्यालय में छोड़ दिया है और जो ले जाने में सफल हुए उसको लेकर के भाग गया। ये है सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नवनिर्मित भवन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदाहा का और कुछ ही दिन पहले यहाँ पे पेंटिंग वगैरह हुआ है। ये है वर्ग 1 और 2 और वर्ग 1-2 के बच्चे हैं और ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ हमको भी नहीं पता है और ये सब नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? कहाँ घर है? बरदाहा। कहाँ? बरदाहा। बरदाहा कौची करी थी अभी? ये सब पहला दूसरा का बच्चा है ना? ये सब पहला दूसरा, अभी नामों नहीं लिखा है जैसे कि मैडम बता रही हैं। और ऊपर गोदाम है उस गोदाम से चोरी हुआ है सामान, उस सामान को हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे चोरी हुई है। मे क्या बोलते हैं कि ऊपर जाने वाला रास्ता है और ऊपर जाने वाले रास्ते में चोरी के ही डर से चोरी के ही लिहाज से यहाँ का जो प्रधानाध्यापक है या फिर जो भी यहाँ के शिक्षक हैं इसको लगा दिए हैं ग्रिल कि उसके ऊपर ना कोई जाए रात में या फिर स्कूल बंद होने के बाद। लेकिन ऊपर कैसे गए लोग वो हम आपको दिखाएंगे, चोर कैसे गए और कैसे यहाँ से चुरा करके लेके भाग गए। ये ऊपर का सरफेस है, ऊपर का एरिया है और इधर से शायद चोर आए होंगे, मे भी अभी कोई श्योर नहीं है। इधर दिखाइए गौतम जी, ये जो है नीचे का जो भवन है वो आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है और आंगनबाड़ी केंद्र के उस तरफ एक शौचालय है और उसी शौचालय से चोर ऊपर आए और इसके द्वारा ये जो क्या बोलते हैं कि पिलर है, पिलर के सहारे इस भवन के ऊपर प्रवेश किया। इधर आइए गौतम जी, इस भवन में अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद वहाँ पर वो गोदाम है, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये स्टोर रूम है और स्टोर रूम के अंदर क्या क्या है जो हम आपको दिखाते हैं। स्टोर रूम के अंदर गोईठा है जिसको बोलते हैं उपले, यहाँ पे गैस का सिलेंडर है, ध्वजारोहण करने वाला जो क्या बोलते हैं कि बांस होता है वो है और ये इधर आइएगा मैडम, और यहीं पे सब कुछ था मतलब कि चावल था, चावल ही था सिर्फ यहाँ पे सब कुछ, क्या ही बोले जाए, यहाँ पे चावल था और एक गैस था और उधर 2 बड़ा वाला सिलेंडर है और इसमें क्या बोलते हैं कि नया नया जो सामान आया था, इधर दिखाया गौतम जी, नया नया जो बर्तन आए थे वो सब चीज़ है। मैडम से हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ से चोर ले गए हैं। हाँ इसको ढक दीजिए मैडम, ये किचन सेट आया होगा इसमें और जो जो कमी जिस विद्यालय को होता है वो यहाँ पे आता है। सबसे पहले बताइएगा मैडम आपका नाम? मेरा नाम कुमारी अनुपमा सिन्हा है। अच्छा मैडम क्या हुआ था कल रात में यहाँ पे, कैसे कैसे चोर आए और आपको कैसे पता चला कि मेरे विद्यालय में चोरी हुआ है? हम तो सवेरे आए तो बोले कि जे आप जानता लोग बोले कि आपके विद्यालय में चोरी हो गया है, जो 6 बोरा वहाँ 6 बोरा आंगनबाड़ी के नीचे रखा हुआ है, सीढ़ी वाला गेट नहीं खुला है, सीढ़ी वाला गेट खोले तो ऊपर देखें कि ताला टूटा हुआ, अब टूटा है कि खोला कैसे ले गए तो अज्ञात, हम जानकारी नहीं है। अच्छा कितना बोरा था यहाँ पे मैडम? यहाँ पर था 22 बोरा। 22 बोरा था जिसमें से 1 बोरा भी यहाँ पे बचा नहीं? नहीं बचा, 1 बोरा नहीं बचा। अच्छा किसी पे शक संदेह आप? नहीं नहीं, हम अज्ञात में क्या जाने, हमको यहाँ घर है, हम तो सिर्फ आते हैं यहाँ ड्यूटी करने, शाम को हम अपना घर चल जाते हैं, हम किसी को कहें किसको कहें कि यहाँ से कौन ले गया।
अच्छा, तो पुलिस वगैरह में कंप्लेंट किया आप इसके संबंध में? हमको एमडीएम ही, जो एमडीएम के प्रभारी हैं, उनको हम खबर कर दिए हैं कि मेरा विद्यालय में ऐसा सब बात हो गया है। अच्छा, मतलब कि जो इनके वरीय पदाधिकारी हैं, जो मिड डे मील का जो योजना देखते हैं, उनको ये सूचना की है ना मैडम? और ये वो चावल है जिसको, मतलब कि यहाँ पे बोड़ा वगैरह खुल गया होगा तो यहीं पे छोड़ दिया गया, और ये चूल्हा है यहीं पे ऊपर में खाना बनता है, इसी पे खाना बनता है ना? तो आज खाना नहीं बना है क्योंकि स्कूल में चोरी होगा। आप लोग खाना बनाती हैं? तो आज खाना कहाँ नहीं बनाएंगे? आज खाना चोरी हो गया इसीलिए करके खाना नहीं बना है। अच्छा, चावले नहीं है तो खाना कैसे? चावले नहीं है तो बनेगा कहाँ से? अच्छा, आप लोग यहीं के होंगे रहने वाले? हाँ, यहीं के बरदाहे के हैं। डेली खाना बनाती होंगे? हाँ, डेली खाना बनाते हैं। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला कि विद्यालय में चोरी हो गया? हम लोग के पता चला, लड़कन गया कहे लगे। हम लोग उधर के रहते हैं, मानी हम कोयरी मातो हैं, तो कोयरी मातो तो हमारा घर है ऊ पट्टी, उत्तर पट्टी। अच्छा। तो उधर से बोलाए हैं, पटाए तो हम लोग आए हैं। मतलब कि आप लोग उधर के रहने वाले हैं और किसी के द्वारा आपको पता चला होगा, तो आप लोग आए और देखे कि यहाँ पे चोरी हो गया है। एक कार्यालय है, कार्यालय के अंदर भी जो मतलब कि ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो यहाँ पे होते होंगे, कॉपी है, किताब है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, ये सब पहले कहाँ, इधर आइएगा थोड़ा सा, पहले बच्चों को किताब के लिए पैसा मिलता था, स्कूल में ही बांटना है किताब का? स्कूल में सरकारें देता बांटने के 3 साल के लिए। अच्छा, इस वर्ष से फिर से मतलब कि स्कूल में ही बांटना प्रारंभ? बांटना, हाँ। तो ये सब बुक्स जो है वो कब तक वितरित होगा बच्चों को? कल उतारवे किए हैं, तैयार तो बांटने के लिए कहिए रहे थे, चोरी हो गया था। अच्छा, कल आया ही है बुक्स? हाँ, कल आया। आप लोग जी कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5वां क्लास में। तेजापुरी का कर रहे हैं? सर नहीं है क्लास में, है ना? किधर है आपका क्लास? चलिए, तो नीचे है, नीचे है कि ऊपर? कहाँ पढ़ते हैं? नीचे है। अच्छा ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। ये है इधर 7 और 8 क्लास के बच्चे बैठ करके पढ़ रहे। इधर आ जाओ गौतम जी। ये देखिए, मैडम अभी बता रहे थे कि ऊपर हम छत के ऊपर खाना बनाते हैं विद्यालय के ऊपर, और जो किचन का हाल है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कितना मतलब कि जर्जर है। हालांकि इसको भी पेंट कर दिया मैडम, पेंटिंग का पैसा आया था तो उससे पेंट हो गया। उधर क्या बोलते हैं कि साफ सफाई के लिए पैसा आया था, उससे साफ सफाई करवा दी है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा किचन को बनाने में, तो उसको बनवाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रुपया नहीं है, तो इसलिए वो वैसा ही है। कौन पढ़ा यहाँ पढ़ना है? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? रुकिए, 7वां में। 7वां में पढ़ते हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर क्लास में। बाहर क्या कर रहा है सर? क्लास नहीं बोल रहा है कि हम, सर हमको भगा दिया है जी। सर भगा दिया आपको सही में? हैं, आप ड्रेस पहन करके कहे नहीं जी, बताइए हमको। ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं है, पैसा नहीं दिलवाया मैडम इसको? पैसा मिल गया तो ड्रेस कहे नहीं पहने हैं? पैसा ना आए खाता में से, पैसा नहीं के सब देखिए, उधर 2-3 बच्चा लोग पहने हुआ। अच्छा, आप लोग कहे नहीं ड्रेस पहने जी? अच्छा, नया है आप? छोटू, केवाईसी लगवाए खाता में आप? केवाईसी ना, पैसा नहीं चेक कर ले बैंक में। पैसा इन लोग को कब आया था मैडम ड्रेस के लिए? पैसा तो आ जाता है जैसे जैसे जांच चढ़ता है ना, हम तो देते नहीं है, सरकार देता है पैसा। कब चढ़ाए थे इन लोग? इन लोगों का पैसा तो अक्टूबर में चढ़ गया। अक्टूबर में चढ़ गया तो अभी तक कहे नहीं आप लोग ड्रेस लाए भाई? चेक पैसा नहीं खिलाए हैं अभी। पैसा निकालना है और पैसा निकाल करके ड्रेस सिलवाना है, उसे खाद और क्या बोलते हैं कि बीड़ा नहीं खरीदना है। तब बैंक में गए थे तो पैसा ना निकला, आखिर कहे नहीं निकलता पैसा, अंगूठे ना लगा के। तो वो बैंक का प्रॉब्लम है ना भाई, बैंक में जाइएगा, बैंक से ना पता कीजिएगा जी। अच्छा छोड़िए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। सर अभी क्या पढ़ाते हैं सर? अच्छा, मिसलेनियस, अभी बच्चा उच्चा आ नहीं रहा है तो मिसलेनियस अभी क्लास चल रहा है, और क्या 7 है तो यही दिए हैं देखिए। अच्छा, मतलब पढ़ने का है आधा फूल के नए कारनामे, जिसमें 6 किताब आया था, 6 किताब का सेट है, तो सभी को दिए हैं पढ़ने के लिए, देखिए बच्चा लोग पढ़ भी रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आधा फूल और खतरे में बदलीपुर, ये कहानी है, इसके अंदर कहानी बताया होगा है ना? 6 पार्ट। अच्छा, इसके पहले 7 में आप पढ़ते होंगे, 7 में क्या क्या पढ़ करके आए हैं? क्या क्या? हाँ, मैथ, हाँ, जीके, हाँ, साइंस। अच्छा, जीके साइंस पढ़कर क्या है? साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? HCIENCE, साइंस मैंने विज्ञान। सही बताए जी, खड़े होइए, सही बताए वो जी, है जी। आप बताइए साइंस का स्पेलिंग? नाम नहीं पता है, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते हैं जी। चौक है सर, चौक किधर है? चौक लीजिए, लिखिए तो साइंस कैसे लिखाएगा?
ये 8 क्लास के बच्चे हैं, देखिए इनका रियलिटी टेस्ट क्या पढ़ते हैं। साइंस लिख रहे हैं। हाँ 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 साइंस। अच्छा कौन मास्टर साहब पढ़ाए हैं साइंस लिखने के लिए? साइंस कौन पढ़ाते थे इसके पहले? साइंस कौन पढ़ाते थे आपको 7 क्लास में? आप खुदे बताएं कि साइंस मैथ हिंदी जीके सब पढ़ करके आए। इधर हो जाइए कैमरे पर। साइंस सही लिखा हुआ है, कौन बताएगा सही? कोई एक। अच्छा ये सही हो गया पक्का? सही है, कौन बताएगा आप लोग बहन? किसी को? SCIENCE। नहीं गलत, किसी को नहीं पता साइंस का स्पेलिंग इतना सारे बच्चे में। आपको है पता? इधर आइए देख लीजिए सर। कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए? हाँ देखिए छोटी लिख रही है। अच्छा रुकिए, अब ये सही है कि ये सही है बताइए? ऊपर वाला ना सही है? ये लिखा सही है। ऊपर जो लिखा था वो सही था जी? क्या लिखे थे ऊपर बताइए? यही लिखे SCIENCE। ऊपर ये लिखा हुआ था जी। सब गलत, आप लोग पढ़िए बाबू समझे, खाली ऐसे ही आकर के अंडा और चावल और खिचड़ी खाने से नहीं होगा समझे जी। 8 क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं और आपको साइंस का स्पेलिंग नहीं पता है। देश के राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है बैठ जाइए। ये सब जो मूलभूत चीज़ें हैं ना सर, इसको बताना बहुत जरूरी है कि नहीं? जी सर सही है, आपकी बात सही है सर। जैसे कि ये लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और इन लोगों को जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं पता है। बताते हैं सर, देखिए अभी बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? जीके वगैरह अभी बता रहे थे, पूछ लीजिए, अभी जस्ट बता रहे थे। तो हमारा बताना काम है सर, आपका बताना काम है और बच्चों का काम है पढ़ना, लेकिन बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और आप लोग जब 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ के शिक्षक यहाँ के शिक्षकों पर ब्लेम करेंगे कि वहाँ के शिक्षक पढ़ाए ही नहीं, इसलिए बच्चे को आता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है कि शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे का दिमाग कहाँ रहता है इसका समझ में नहीं आता है। नीचे भी क्लासरूम चलता है, नीचे भी चलता है ना मैडम? नीचे भी क्लासरूम चलता है, ऊपर भी चलता है, मतलब कि 1 से 8 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है, चोरी हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि देखने आए हैं। आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? कितना में पढ़ते हैं? 6th में। 6th क्लास में पढ़ते हैं, नीचे क्लास चलता है? हाँ। तो अभी ऊपर क्या कर रहे हैं? मतलब एकदम चिड़िया घर बना दिए हैं कि जहाँ मन जखनी चल जाएं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? कुर्सी लाने जा रहे हैं। कहे लगी कुर्सी? सर के बैठने के लिए। अच्छा सर बैठ करके पढ़ाते हैं क्लासरूम में? जी। चलिए तो कौन सर हैं जो कुर्सी मांग रहे हैं? चलिए तो देखिए कुर्सी पर बैठ करके सर पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को जो भगवान ने माल। कौन है? अच्छा वो सर मांगे कुर्सी आपसे? कुर्सी मांगे हैं सर, कुर्सी मांग। अरे यार कुर्सी लाने के लिए उसको बोले हैं? खल्ली लाने बोले? खल्ली खल्ली लाने के लिए? खल्ली बोल रहा है कि कुर्सी लाने के लिए? नहीं खल्ली लाने के बोले हैं, खल्ली और डस्टर लाने बोले हैं। खल्ली डस्टर लेकर का ये कुर्सी नहीं। ये कौन सा क्लास है सर? अच्छा ये 6th क्लास है, इधर आइए। 6th क्लास में कौची पढ़ाई होता है जो हम आपको दिखाते हैं? ये 6th क्लास का नया वाला ब्लैक बोर्ड है और नया वाला ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आई लव यू और नीचे किसका किसका नाम था वो सब मिटा दिया है, शायद मेरे आने से पहले ये सब मिटा रहा है। अच्छा ये लिखा कौन है यहाँ पे? हमने सब नहीं लिखा। खड़े होइए तो छोटी खड़े होइए। कौन से क्लास में पढ़ती है? 6th से। 6th क्लास में पढ़ती हैं। 6th को हिंदी में क्या बोलते हैं? छठा। छठा में पढ़ते हैं सर। अभी क्या अभी तो सर आईबे की है, क्या पढ़ा रहे थे सर? अभी क्या पढ़ा रहे? मतलब किताब पे हैं? किताब पढ़ाते हैं। किताब पढ़ा रहे थे, किताब पढ़ने आता है? किताब लाए हैं? पचमा के है सर। आए? पचमा के है। अच्छा पचमा का किताब है साहब? अच्छा इंग्लिश का किताब है, पढ़ाता है इंग्लिश पढ़ने आता है? अच्छा कौन जिला आपका जिला कहाँ है? नालंदा जिला है। प्रखंड? इस्लामपुर। और थाना? थाना खुदागंज। ये 6th क्लास के बच्चे हैं, उधर भी 2-3 गो बुतरू है बैठल। आप लोग जी कमाम पढ़ते हैं? छठा में। पापा क्या करते हैं आपके? पापा खेती। अच्छा खेती करते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी किताब पढ़ रहे थे। ये इंग्लिश पढ़ने आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है।
कहाँ घर है? बरदाहा। बरदाहा घर है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है पता है? श्री नीतीश कुमार। पिछले बार जब आए थे तो ये सब बच्चे नहीं बता रहे थे, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा बहुत सर डोज दिए हैं तो सबको पता है। ये यहाँ पे देखिए चार बोरा हल्ला कौन कर रहा था, उधर चल रहा है। ये चार पांच बोरा यहाँ पे चावल है जिसको वहाँ से पटका था और नीचे यहाँ पे आकर के गिरा था, और एक बोरा यहाँ पे फट भी गया है, और यहीं के रास्ते फिर उधर ले गए और खेत से फिर उधर लेकर के चले गए। और इधर छोटे छोटे बच्चे पहला दूसरा के काउंटिंग सीख रहे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। केम्मा क्लास के बच्चा है सर साहब? तीसरा चौथा तीसरा तीसरा के है और चौथा के। कौची पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैथ। 22 गुना दो, अच्छा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, गुना बता रहे हैं बच्चों को। और ये सब तीसरा के और चौथा के बच्चे हैं, है ना? और ये सब सब भुइयां में कहाँ बैठे हैं? चोरी तोरी का जो आया है इसके लेके ला के जैसे कि तैसे बैठ गया, दरी लेके आया था, दरी लेके ऊपर चला गया है। अच्छा आप लोग डेली जमीन पे बैठते हैं? हाँ। दरी रहता है इस विद्यालय में? हाँ। आज का है नहीं? हाँ था। आया था फिर चल गया था। इधर 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 आओ। केमा क्लास में पढ़ते हो? तीसरा। क्या बता रहे थे बताओ? सर ने कहा ना कि जाओ दारू ऊपर धर लो अब। कहे कितना बजा अभी? कितना? कितना बजे छुट्टी होता है? ये छुट्टी कितना बजे होता है? हाफ हाफने लगा गुरु ना, पहले होवा हलखिन 3 बजे तक मॉर्निंग पढ़ाई होलखिन ना, तो होवा हलखिन 6 बजे। अच्छा 6 बजे मॉर्निंग पढ़ाई, तो 11 बजे छुट्टी अब मिला हलखिन। टिफिन टिफिन खाना उना मिला हको डेली? जी मिला हलखिन। अच्छा कल है कोची मिलो हल? कल है सब्जी भात। और आज? आज अभी आज नहीं पकाए खाना। अच्छा चोरी हो गया ना? जी। अच्छा आप पढ़ते हैं चौथा क्लास में ना? तीसरा। तीसरा में आपको आता क्या क्या छोटू? जोड़ घटाओ गुना भागा आओ? और कुछ नहीं। आप पहाड़ा का कह रहा? पहाड़ा के कतक आता है? पहाड़ा 17 का तक। 17 का पहाड़ा आता है जी। 13 का पढ़िए तो? 13 का 13, 13 दिन 26, 13 39, 13 54, 13 55, 65, 13 6 78, 13 91, 13 74, 17 17, 17 दंक 30 से। अच्छा पापा आपके क्या करते हैं? हमका पापा राजमिस्त्री में काम करते हैं। अब कहाँ के रहने वाले हैं? बरदाहा के। अच्छा पढ़ लिख करके क्या बनिएगा? पुलिस। अच्छा पुलिस बनना है जी। पुलिस का है बनिएगा भाई? पुलिस का है बनिएगा? अपराधी का पकड़ने के लिए। हाँ देखिए आपके विद्यालय में चोरी हुआ है तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस बनिएगा ना जी। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है बैठ जाइए। ये देखिए 3 क्लास के ना, 3 क्लास के बच्चे थे और बहुत अच्छा से सभी बातों का जवाब दिए। पिछले बार जब हम आए थे तो यहाँ पे शौचालय का जो हाल था वो बहुत ही जर्जर था, मतलब कि इतना जर्जर कि हम बता नहीं सकते हैं। ये सब सब खुला हुआ था, लेकिन अब शायद पहले से बेटर है और सब कुछ डेंटिंग पेंटिंग हुआ है और इसमें ताला लगा हुआ है, और ये शायद शिक्षकों के लिए है। और ये टीचर हैं सर? हैं सर आप? अब टीचर हैं तो क्लास में जाइए ना, इधर फ़ोन पे बताइए। सब फ़ोन आ गया था इसलिए बात कर रहे थे। ये नहीं होता सर ड्यूरिंग क्लास। ड्यूरिंग क्लास आप जब वहाँ पे वो बोरा रखा है 2-3-5 को पिंज के पास, है ना? पिंज का। अच्छा आप ही देखे थे ना? इधर इधर आइए। अच्छा चोरी हो रहा था तो सबसे पहले शायद आप ही हमको सुबह में भी फ़ोन किया? हाँ। तो कैसे पता चला? रात में सब उठा था, लाइन कटा हुआ था, देखा ढप ढप कुत्ता लग रहा है। तो देखा कि मैंने बोरा लेके आ रहा है तो एक जगह देखा कि पिंज के बगल में जमा कर रहा है तो ग्रामीण। अच्छा, चोर मतलब कि एक जगह संग्रहित कर रहा था चोर? हाँ। और आप लोग देखे और उसके बाद फिर वो भाग गया? हाँ जनता लोग देखा था भाग गया। अच्छा किसी को पहचानते भी? ना पहचान में तो रात में किसी को नहीं आया। किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन ये रियलिटी है कि विद्यालय में चोरी हुआ है और विद्यालय में डेंटिंग पेंटिंग हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ विद्यालय में डेंटिंग पेंटिंग कर देने से बच्चों का करियर नहीं बन जाएगा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और सभी विद्यालयों में ज़रूरी है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।